तो आज के इस वीडियो में हम थोड़े से इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे, जो कि होता है एक रेजिग्नेशन, एक होता है टर्मिनेशन, एक होता है एब्सकॉन्डिंग। तो ये थ्री लेटर्स होते हैं जो कि आपको बेसिकली किसी कंपनी से मिलते हैं। तो इन तीनों में डिफरेंस एक्चुअली में होता क्या है, कब कौन सा आपको पेपर मिलता, तो वो आज पूरा कन्फ्यूजन इस वीडियो में दूर होने वाला है। तो बेसिकली एक्सपीरियंस लेटर वो होता है कि आप किसी भी कंपनी में वर्किंग हो, एंड वर्किंग होने के बाद आप अगर वो कंपनी छोड़ना चाहते हो, स्विच करना चाहते हो, या आप जॉब नहीं करना चाहते हो, तो मल्टीपल रीजन हो सकते हैं वो कंपनी छोड़ने के। तो उस कंपनी में आप एक प्रोफेशनल रिजाइन डालते हो और अपना नोटिस पीरियड कंप्लीट करते हो। नोटिस पीरियड के बाद जो कंपनी आपको लेटर देती है वो होता है आपका एक्सपीरियंस लेटर, या कहीं कहीं आपको रिलीविंग लेटर भी मिलता है। दोनों डॉक्यूमेंट्स एज इट इज होते हैं, दोनों डॉक्यूमेंट्स सेम होते हैं। तो इसमें कंडीशन होती है कि आपने नोटिस पीरियड पूरा कंप्लीट किया है, या कंपनी के टर्म एंड कंडीशंस के अगेंस्ट आपने नोटिस पीरियड परचेस किया, तो उस केस में आपको एक्सपीरियंस लेटर या रिलीविंग लेटर मिलता है। एंड बात करते हैं आप टर्मिनेशन लेटर की। तो टर्मिनेशन लेटर आपको कंपनी तब देती है मोस्ट ऑफ दी केसेस में जब आपने कंपनी के साथ मिसबिहेव किया हो, या कंपनी के रूल्स के अकॉर्डिंग आप नहीं गए हो, रूल्स के अगेंस्ट गए हो। जैसे मे भी हो सकता है ऊपर बॉस का केस हो सकता है, किसी मैनेजर या अचार से मिसबिहेव हो सकता है, या अब्यूजिंग का केस हो सकता है, या थेफ्ट का या स्टॉलियन का केस हो सकता है, मे बी सम टाइम्स फॉर दी बैकग्राउंड वेरिफिकेशन एज वेल। तो कुछ इस तरीके के जो केस होते हैं वो आपके आते हैं टर्मिनेशन में, जिसमें कंपनी आपको टर्मिनेट करती है एंड टर्मिनेशन लेटर कंपनी आपको वो देती है। तो बेसिकली वो होता है टर्मिनेशन का। एंड बात करते हैं अभी अब्सकॉन्डिंग के केस में। अब्सकॉन्डिंग इट्स लाइक अ टर्मिनेशन, बट थोड़ा सा ये डिफरेंट होता है अब्सकॉन्डिंग के केस में। तो जनरली अब्सकॉन्डिंग जो केस होता है वो कंपनीज क्यों देती हैं, देखो कंपनीज में एक पॉलिसी होती है कि बिना बताए कंपनी से आप लीव नहीं ले सकते हो। मतलब मान लो मैं किसी कंपनी में वर्किंग हूँ और मैंने क्या किया, कल से आना बंद कर दिया, कल से मैं नहीं आ रहा हूँ, इसके बाद कंपनी मेरा वेट करेगी। तो अलग अलग कंपनीज में पॉलिसी हो सकती है, कोई 10 दिन वेट करता, कोई 15 दिन, अप टू 1 मंथ होता है। तो 1 मंथ तक अगर कंपनी आपसे कम्युनिकेट नहीं कर पाती, कम्युनिकेशन नहीं होता ओवर कॉल, ओवर टेक्स्ट और ओवर ईमेल, तो उस केस में कंपनी आपको अब्सकॉन्ड कर देती है कि आपसे कम्युनिकेशन नहीं हो रहा, आप पता नहीं कहाँ हो, तो उस केस में अब्सकॉन्ड कर देती है। एंड कंपनी आपको एक इस केस में भी अब्सकॉन्ड करती है कि सपोज आपने रिजाइन डाला किसी कंपनी में एंड आपने नोटिस पीरियड सर्व नहीं किया कि आप आज से आपने रिजाइन डाला और कल से आना छोड़ दिया, कल से कंपनी में नहीं आ रहे हो, तो उस केस में भी आपको अब्सकॉन्डिंग लेटर कंपनी दे देती है। बट द लास्ट पॉइंट कि आपको कुछ भी मिलता है, टर्मिनेशन, एक्सपीरियंस, अब्सकॉन्डिंग, कुछ भी कंपनी से आपको मिलता है, तो उस केस में मेक श्योर कि आप वो कंपनी से डॉक्यूमेंट्स ले रहे हो, तीनों में से कोई भी एक डॉक्यूमेंट्स आपके पास होना चाहिए, ताकि कल आप किसी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करने जाओ तो आपके पास एटलीस्ट एज अ प्रूफ एक डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए वहाँ से कंपनी को छोड़ने के लिए, या कंपनी ने आपको छोड़ा हो, वट एवर रीजन, तो आपके पास एक डॉक्यूमेंट्स एटलीस्ट होना चाहिए। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। अगर बाकी आपका कुछ भी कॉमेंट्स या क्वेरी है नीचे मुझे कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं उसका रिप्लाई जरूर करूंगा। एंड अगर आप मेरे से 1-to-1 डिस्कस करना चाहते हो तो स्क्रीन पे नंबर आ रहा होगा, मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो, कंसल्ट ले सकते हो, वहाँ पे चार्जेबल कॉल होती है। मेरा नाम है शुभम एमएल। तो अब नेक्स्ट वीडियो में टिल देन हैव अ ग्रेट मोमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर।